हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब मस्त और मज़े में? दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। ये फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है, फिल्म सिटी फार्म्स के नाम से। दोस्तों, अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये आपका फिल्म सिटी के पास में पड़ता है। जेवर एयरपोर्ट आप लोगों ने सुना होगा, उसके पास में ये आपका प्रोजेक्ट है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में जितने भी आप देखेंगे सभी के सभी फार्म हाउस रहेंगे। तो ये पूरा एक फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है। अगर लोकेशन की हम बात करें तो जैसे आप यमुना एक्सप्रेस वे पर आगे बढ़ते हैं आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग जो आपका जेवर का टोल आता है, जैसे उसको क्रॉस करते हो तो 3-4 किलोमीटर आप आगे चलोगे तो फिर आपका अलीगढ़ और ये पलवल वाला रोड आ जाता है। इसी पे दोस्तों लगभग मान के चलिए 2-3 किलोमीटर आगे चलते ही आपका ये प्रोजेक्ट आ जाता है। ये लोकेशन है प्रोजेक्ट की, मैन लोकेशन आप देख सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों कुछ और जानकारी है जो मैं वहाँ पे जाऊँगा तो आपको पूरी की पूरी दूंगा। दोस्तों, लोकेशन के कुछ बेनिफिट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो पतंजलि का फूड पार्क है वो 5 मिनट की दूरी पे है, यूनिवर्सिटी एरिया पास में है, आपका डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है साथ में, तो वो भी बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। साथ में आपका जेवर का एयरपोर्ट बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पर पड़ता है। तो दोस्तों, लोकेशन काफ़ी अच्छी है। इसके साथ में अगर आप लोग आगे की तरफ बढ़े तो आगरा की तरफ तो 25 मिनट में आप वृंदावन पहुंच जाते हैं, घंटे के अंदर आप आगरा पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ा जो आज के टाइम की हाईलाइट है फिल्म सिटी, तो फिल्म सिटी साथ में बन रही है तो आने वाला फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है इस वाली लोकेशन का। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रही है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं और आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन खटाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल इन्वेस्टर सब। दोस्तों, अब लोकेशन के बाद बात कर देते हैं फार्म हाउस की। ये जो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। रोड काफ़ी अच्छे बनाए जाएंगे, 30 फीट और 40 फीट के रोड लगभग रहेंगे। अगर दोस्तों मैं बात करूँ फार्म हाउस की तो यहाँ पे आप आधा बीघा और 1 बीघा के फार्म हाउस परचेज़ कर सकते हैं, यानी मोटा मोटा आप कहिए लगभग 458 स्क्वायर यार्ड या फिर 918 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं और उनका फार्म हाउस बना सकते हैं। ये दोस्तों कम्प्लीट मैप है, आप लोग चाहो तो पहुँच करके भी देख सकते हैं। देखिए, जैसे आप एंटर करते हैं फिर आपके फार्म हाउस आते हैं, लगभग 30 के आसपास फार्म हाउस है जो अभी के टाइम पे सेल पे अवेलेबल है। इसके आगे दोस्तों जो आप ये एरिया देख रहे हैं या पूरा क्लब हाउस का एरिया रहेगा, इसमें आपके जो कॉमन एमिनिटीज़ होती है सारी की सारी वो आपको देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल फार्म हाउस में एंटर करने के साथ ही स्टार्टिंग में आपको एक फ्रूट गार्डन देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छे एरिया पर डेवलप किया जा रहा है। और दोस्तों, पूरा का पूरा जितनी भी आपकी कम्युनिटी है सारी आपकी गेटेड रहेगी। इंटरनल एमिनिटीज़ का मैंने आपको बताया ही, क्लब हाउस वगैरह, स्विमिंग पूल वगैरह वो आपको अलग से भी मिलेंगे कॉमन एमिनिटीज़ में। अगर आप चाहो तो अपने फार्म हाउस के अंदर भी वो सारी की सारी चीज़ें बना सकते हो। बाकी CCTV कैमरा वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह, तो वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल अप टू डेट रहेंगी। दोस्तों, अगर हम बात करें क्लब हाउस की तो लगभग 10 बीघे के अंदर यहाँ पे क्लब हाउस होगा, यानी 10,000 स्क्वायर यार्ड आप कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर स्विमिंग पूल होगा, आपकी जिम होगी, ओपन कैफ़े होगा, इसी के अंदर आपके इंडोर गेम्स आ जाते हैं, लॉन्च आ जाते हैं। अगर आप लोगों को पार्टी करनी है, पार्टी हॉल है, कार्ड रूम वगैरह, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन की हुई है। आप चाहो तो पहुँच करके देख लीजिए। ये दोस्तों वही आपकी साइज़ दिए हुए, जैसे मैंने आपको बताया था सबसे छोटा 410 गज का है, इसके बाद 450 स्क्वायर यार्ड के आसपास के फार्म हाउस आपको देखने को मिल जाते हैं। ये दोस्तों, अब मैं सोच रहा हूँ एक बार यहाँ पे दोबारा साइट पे जाऊँगा और जो भी डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुकी है या आगे होने वाली है उस सब की एक कम्प्लीट वीडियो मैं आप लोगों को बना के दूंगा, तो वो वीडियो भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप भीड़ भड़ाके से दूर एक अपना फार्म हाउस चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है, आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में फ्यूचर अच्छा है। सारी एमिनिटीज़ वगैरह पास में होगी, जंगल सफारी वगैरह, नाइट सफारी वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं तो वो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और इसके साथ में फिल्म सिटी है तो आने वाले टाइम पर काफ़ी सारी ACB हस्तियाँ होंगी बड़ी बड़ी जो यहाँ आसपास के एरिए में रहेंगी। दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं इनके प्राइस के बारे में। दोस्तों अगर मैं बेसिक सेल्स प्राइस की बात करूँ तो 12,500 रुपये स्क्वायर यार्ड का यहाँ पे आपका बेसिक सेल्स प्राइस है। इसके अलावा 5 रुपये स्क्वायर यार्ड का आपका मंथली मेंटेनेंस रहेगा, 1 लाख के आपके OTDC चार्जेस है वन टाइम, और आपके 1 लाख के और ये क्लब वगैरह के आप मान लीजिए चार्जेस रहते हैं, यानी 2 लाख के एक्स्ट्रा चार्जेस।
ये मंथली मेंटेनेंस का बताया हुआ है। और दोस्तों ये आपका पेमेंट प्लान, 10% बुकिंग पे देना है 30 दिन में, फिर आपको 40% देना है और 60 दिन के अंदर आपको बचा हुआ 50% देना है, यानी 2 महीने के अंदर पजेशन भी हो जाएगा। आप लोग चाहो तो सारे के सारे अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे आप पक्की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये दिल्लीवुड स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चेक जाएगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कुछ चीज़ें छूट गई है तो मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा वो सारी की सारी चीज़ें आपको दूसरी वीडियो में बता सकूं। और दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।